नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक गुप्ता, एमबीबीएस काउंसलर नहीं, करियर काउंसलर। और आपको वो बातें बताता हूँ जो शायद एक नॉर्मल काउंसलर या एजेंट्स आपको नहीं बता पाते। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमेशा कहा जाता है कि सर क्या ये डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा? तो देखिए, ये एक बेंचमार्क डेफिनेटली होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना पुराना कॉलेज होगा उतना पक्का अच्छा ही होगा। सबसे पहले फिर से बन सके, जब हम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन, व्हाट आर दी पैरामीटर्स? ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्म जब आप पढ़ने जा रहे हैं, आप चाहेंगे कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, देखिए एक पढ़ाई है, एक रहन सहन है, एक पीयर ग्रुप है, इजंट इट? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उस मेडिकल कॉलेज में जाइए जहाँ पढ़ाई का मतलब नीट एंड क्लीन क्लासरूम्स, फैकल्टीज़ आएँ और वो आके आपको अच्छा पढ़ाएं। तो दे आर रेप्यूटेड गुड फैकल्टीज़ हु आर गोइंग टू टीच यू। शायद इसी पैरामीटर से आप अपने कोचिंग सेंटर भी सिलेक्ट करते हैं, इजंट इट? तो ये होता है कि भाई गुड क्वालिटी एजुकेशन, उसी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको यू नो असली बॉडीज़ पे काम करने को मिले, रबर डमीज पे ना काम करना पड़े। और फिर जब आप थर्ड ईयर में आए और फिर बाद में इंटर्नशिप के लिए आपको अच्छे पेशेंट्स देखने को मिले, खासकर आने वाले नेक्स्ट टू के ज़माने में, जहाँ पर जो नेक्स्ट टू होने वाला है, इट विल बी ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल दैट यू हैव लर्नड इन MBBS, राइट? सो ये हो गया अच्छे मेडिकल कॉलेज की ब्रॉडली पहचान, पढ़ाई अच्छी। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए 4.5 साल प्लस 1-5.5 साल एक छोटी चीज़ नहीं होती। तो कम्फर्टेबल स्टे, फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, एंड फिर से अ मिक्स ऑफ फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड इज द लैंग्वेज इशू। सो डेफिनेटली देखिए, इसको मैं बार बार कहता हूँ, अपना बहुत बड़े परिपेक्ष में समझिए, क्योंकि मैं लैंग्वेज को लेकर बहुत टची रहता हूँ और काफ़ी लोग जो भुगत भोगी होते हैं या जो जाकर देख के आते हैं वो मेरी बात को मान लेते हैं, बट कई लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, और विद ड्यू रिगार्ड्स एंड यू नो माई देश प्रेम ऑल्सो टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया इज़ डेफिनेटली अ वेरी यूनिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। तो अमेरिका में आप जाते हैं, यू नो द एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेसिवनेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पूरा देश इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है। द एंटायर यूनाइटेड किंगडम स्पीक्स इंग्लिश, द एंटायर फ्रांस स्पीक्स फ्रेंच, द एंटायर जर्मनी स्पीक्स जर्मन, द एंटायर ऑस्ट्रेलिया स्पीक्स इंग्लिश, द एंटायर इटली स्पीक्स इटालियन, एंड देयर कैन बी अ सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो। द इशू इज, इंडिया इज एक्चुअली ट्रूली अ मिक्स ऑफ वेरियस कल्चर्स, फूड एंड लैंग्वेजेस। और हम 1947 में तो देश बने, नहीं तो पहले तो कभी हम एक देश थे ही नहीं। तो कहने नहीं चाहता मैं, लेकिन वाकई ही यू नो द मद्रास प्रेसिडेंसी उस ज़माने की, जिसको आज के देश में हम तमिलनाडु केरल कहते हैं, उनका लैंग्वेज को लेके, फूड को लेके, कल्चर को लेके कोई लेना देना नहीं था विज अ विज लेट से टिपिकल नॉर्थ इंडिया। हाँ, बस फ़र्क यह था कि बिकॉज वी वर अ जॉइंट लैंड मास ऑफ लैंड, तो वो आना जाना एक दूसरे के से मेल जोल लगा रहता था। कभी कभार अटैक करा, उसने उसकी ज़मीन ले ली, उसने उसकी ज़मीन ले ली, उस ज़माने में मैं 200-300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली वी हैड सम कॉमन गॉड्स, और उसकी वजह से भी एक मित्रता थी। लेकिन डेफिनेटली वी दोस्त टाइम दे वर यूज टू बी अ सेपरेट कंट्री, इजंट इट? मतलब जिसको हम रियासत कहते थे। अब आज ठीक है, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ के कंट्री बना दी, एंड वी आर वेरी प्राउड टू लिव इन वन कंट्री कॉल्ड इंडिया। ये बातें मैंने आपको उससे बताई कि वो जो डिफरेंसेस हैं ना, वो हैं, वो डिफरेंसेस को हटा के भुला के हम एक देश में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें फ़ायदा भी है कि हम कहीं भी जाके अपना बिजनेस, व्यापार, जॉब कर सकते हैं। इट गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू मूव अराउंड, एंड वी हैव अ फार लार्जर एरिया एंड मार्केट टू वर्क अपॉन। बट जो मैंने कहा कि खासकर जो मेडिकल टाइप का कोर्स है, वाकई एक पेरेंट मुझसे मिलने आए थे लास्ट वीक, जो खुद अपने ज़माने में जिन्होंने बी फार्मा कोर्स किया था साउथ इंडिया से, कर्नाटका के एक पर्टिकुलर सिटी से, और उन्होंने भी कहा, कहते हैं सर देखिए हमारे कोर्स में तो उतना इंटरेक्शन नहीं ज़रूरत होती है, इट वॉज़ बेसिकली अस एंड द लेक्चरर। बट बिल्कुल बात ठीक है कि खासकर जो MBBS का कोर्स है, MD का कोर्स है, दीज आर दी कोर्सेज इन विच यू विल रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोकल इंटरेक्शन। तो आप लोकल इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी ही होगी। तो दूसरा फैक्टर,
तो देखिए, जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज आर ग्रेट कॉलेजेस, सीएमसी वेलूर इज़ अ ग्रेट कॉलेज, बट इट इज़ अ ग्रेट कॉलेज इफ़ यू अंडरस्टैंड द तमिल. इफ यू आर हिंदी भाषी गाय, दीज ग्रेट कॉलेजेस विल नॉट बी ग्रेट कॉलेज एनी मोर, बिकॉज यू विल मिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉल्ड लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन विद द पेशेंट्स. उसी चीज में, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, the legacy of the college. तो हमने देखा है हिंदुस्तान में, आज हम बात करते हैं, कोई कॉलेज 4 साल पहले खुला वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई 15 साल पहले खुला वो बहुत अच्छा क्या बहुत घटिया परफॉर्म कर रहा है. और NMC हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हाउ वी लिव इन दिस कंट्री ऑफ करप्शन. तो क्यों NMCs उन घटिया कॉलेजेस को अप्रूव कर देती है हर साल या हर 3 साल में, गॉड नोस. कमिंग बैक टू द टेन्योर, सो देखिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है व्हेन यू गो टू अ ओल्ड कॉलेज, मैं हमेशा समझाता हूँ जो मुझसे मिलने आते हैं, बिकॉज जैसा मैंने कहा ना कि आई एम प्रिविलेज दैट आई स्टडीज इन इंडिया टॉप 2 कॉलेजेस फॉर बीटेक एंड MBA. और वहाँ जब आप जाते हो तो यू अंडरस्टैंड अ वैल्यू ऑफ अ वर्ल्ड कॉल्ड एलुमनाई नेटवर्क. हम में से मेजोरिटी लोग, इवन अदर काउंसलर्स, वो खुद कभी उन कॉलेजेस में गए नहीं, उनको पता ही नहीं है कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ एलुमनाई नेटवर्क. सो एलुमनाई नेटवर्क ये होता है, और ये एक ना इमोशनल कनेक्ट होता है. तो लेट्स से मौलाना आज़ादी बहुत पुराना कॉलेज है, या KMU लखनऊ बहुत पुराना कॉलेज है, या GMC अमृतसर तो आज़ादी से पुराना कॉलेज है. तो कॉलेज इतना पुराना हो चुका है कि उस कॉलेज के ग्रेजुएट डॉक्टर्स की संख्या हज़ारों में है, मतलब नॉट लाखों में बट हज़ारों में तो पक्का होगी. और अब हज़ारों में, मतलब 30-40 हज़ार होंगे आई एम श्योर, जो GMC अमृतसर से पास हो चुके हैं. सो दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो होता क्या है कि जब आप एक फ्रेश ग्रेजुएट होते हो और या 10-12 साल बाद, लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तब कभी कभार वो बायस आ जाते हैं. तो लेट्स से इफ़ आई एम डीन ऑफ अ फोल्टिस हॉस्पिटल इन ए पर्टिकुलर एरिया, और MS जिसे हम बोलते हैं, और मेरे को एक नए ऑर्थो डॉक्टर की वैकेंसी है मेरे पास है, और मेरे पास 4 एप्लीकेशंस आती हैं, और उनमें से एक एप्लीकेंट है जो कि मेरे कॉलेज का है, विद एवरीथिंग एल्स सेम. देखिए, वो कोई भी जो हायरिंग कर रहा होगा वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो आँख बंद करके सिर्फ ऐसे ले लेगा कि आप मेरे कॉलेज के हो. लेकिन आई एम सेइंग इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम और मोटा मोटे सेम, देन आई विल लाइक टू हायर और आई विल प्रिफर टू हायर समबडी हु इज़ फ्रॉम माई एल्मा मीटर. सो दैट इज़ कॉल्ड द इमोशनल एलुमनाई कनेक्ट. तो सबसे बड़ा एडवांटेज जब आप 50 साल पुराने कॉलेज की बात कर रहे हो, वो सिर्फ ये होता है. उसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन आई डू मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट, कि जो एक्सपीरियंस है ना, उसका एक ऐसा कर्व होता है, ऐसा इसको बोलते हैं यूटिलिटी कर्व, विच मीन्स आप कोई भी एम्प्लॉय लेते, अगर आप में से कोई बिजनेस मैन है जो मेरा वीडियो सुन रहा है, तो बिल्कुल एक फ्रेशर आता है आपकी कंपनी में, आपकी टीम में, वो सीखता है, लेकिन 4 से 5 साल बाद वो उतना ही परफॉर्म करेगा आपके लिए जितना एक 12-14 साल का इंसान करेगा. एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, और समटाइम तो ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्चुअली मेक समबडी लिथार्जिक एंड आलसी. तो वो भी ना एक ऑप्टिमल एक्सपीरियंस होता है कि इंडस्ट्री में 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद इंसान को सब आ जाता है. उसके बाद तो बल्कि नई चीज़ सीखने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सब ग्रेट हो, आप सेटल्ड हो, आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जितना आता है उतनी में आपका जॉब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है. तो जस्ट बिकॉज अ कॉलेज इज 100 ईयर ओल्ड डजेंट मीन द कॉलेज वुड बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट 2 फैक्टर्स. इट इज़ पॉसिबल दैट अ गवर्नमेंट कॉलेज इज स्ट्रगलिंग फॉर फंड्स एंड दे आर नॉट एबल टू अपडेट देयर लैब्स एंड ऑल दैट. द बेसिक इंफ्रा इज इन शटर्स एंड देर इज नो फंड्स टू इम्प्रूव द वॉल्स एंड ऑल दैट, जो हम सरकारी कॉलेज में हमेशा फेस करते हैं. तो जैसा मैंने कहा, पुराने कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है एलुमनाई नेटवर्क. तो वो कॉलेज पहली बात इतना अच्छा रहा हो कि उसके एलुमनाइज आर एक्चुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर इन अ पोजिशन टू हेल्प द जूनियर्स हु आर कमिंग इन द वर्ल्ड, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन द मेडिकल वर्ल्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. उसके अलावा, यू नो, वंस अ कॉलेज इज 5, 6, 7, 8 ईयर्स ओल्ड, 2-3 batches हैव गॉन, आई थिंक द कॉलेज इज मोर लेस सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ, जो उनके डीन होता है या चेयरमैन या प्रिंसिपल होता है, ही नोज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, द फैकल्टीज आर स्टेबलाइज एंड ऑल दैट. सो दैट मीन्स क्या, अगर सर कोई कॉलेज 1 या 2 साल पहले खुला है, वी शुड नॉट गो. आई ऑलवेज से आइडली
unless the college is opened by an Amrita group or a Manipal group, because in that case the learning from the other campuses are so much ki you will establish the good things in the first year. So MMU Sadhopur example ke liye jab khula, jo maine hamesha kaha ki they will have the advantage of experience of MMU Solar and Bulana by the chairman sir of that those group. तो साधोपुर के साथ दिक्कत शायद पेशेंट फ्लो की है जो हमें देखना है, ठीक है. द दिक्कत विल नेवर बी ऑफ द फैकल्टी क्वालिटी जो पार्ट वन है ऑफ द बेसिक इन्फ्रा नीट एंड क्लीनलीनेस ऑफ द कॉलेज प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन गॉट कम्प्लीट इन दैट पर्टिकुलर केस. या अमृता फरीदाबाद विच वॉज ऑलरेडी कम्प्लीटली डन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रा एंड ऑल दैट. बट बाकी सब लोग जहाँ पर वो अभी नहीं हो रहा है दे मे स्ट्रगल. सो ये भी कोई ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बस अगर हमारे पास 10 ऑप्शन है तो हम सबसे पुराना कॉलेज ले लें. यू ऑलवेज हैव टू गो, जैसे मैंने कहा, इट हैज़ टू बी ऑप्टिमल मिक्स ऑफ एज ऑफ द कॉलेज, लोकेशन ऑफ द कॉलेज, पेशेंट फ्लो, इंफ्रा ऑफ द कॉलेज, फैकल्टी क्वालिटी, फैकल्टी डेडिकेशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ऑल दोज थिंग्स विल मेक अ गुड मेडिकल कॉलेज फॉर यू और योर किड टू परस्यू MBBS. सो ये ब्रॉडली आप एक बेंचमार्क के तौर पर ले सकते हैं. तो सिर्फ पुराने को नहीं जाना है, सिर्फ नए से नफरत नहीं करनी है. वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमल मिक्स. और इसलिए कॉलेज बाय कॉलेज रिसर्च करना, कॉलेज बाय कॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. ओके, यही हमारा काम है एज ए काउंसलर, यही हम आपके लिए करके रखते हैं. और तभी आपने नोट किया हो क्यों मैं कॉलेजेस में घूमता हूँ. इट इज़ बेसिकली टू गेट दैट फर्स्ट हैंड फीडबैक. एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 700 कॉलेज में जा पाया, खासकर इस साल शुड आई से मेरा पूरा मार्च और अब अप्रैल भी वेस्ट हो जाएगा और फिर नीट हो ही जाएगा. बिकॉज इन दो महीनों में मैंने सोचा था कि मुझे पूरा बंगाल का, बिहार का ट्रिप लगाना था. एंड आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू गो अगेन टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी. तो वो तीनों टूर मेरे रह गए बिकॉज पर्सनली ऑफकोर्स आई गेट फीडबैक फ्रॉम माई टीम मेम्बर्स और स्टूडेंट्स जो वहाँ जा चुके हैं. बट जो मेरा स्टाइल है कि खुद जाके देख के आओ, क्योंकि आई लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट आई, अगेन बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड. और उसके अलावा अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट, एटलीस्ट हिमाचल के, पंजाब के, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, काफ़ी हद तक महाराष्ट्र. आई एम प्रिविलेज टू लुक एट ऑल दीज कॉलेजेस एंड उसी से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक जजमेंट करने को मिलता है. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम एबल टू रिकमेंड यू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेजेस उत्तराखंड, सो दैट यू गेट गुड एजुकेशन with right amount of fee that you are going to spend in the marks that you have got. And to approach us, you know the grill, you know the next steps. 9643362320 is our number. You call us on this number, you want to talk to me, you have to pay a nominal amount of 2500. You want to come and meet me, the amount increased to 5000. The same fees is adjusted when you take our package. The package are 30,000, 50, 75 and 1.5 lakh, very simple. 30,000 for government seats, so people who are looking for government colleges. 50,000 for government plus 2 to 3 counselings of states. 75,000, 5 to 6 counselings. 1.5 lakh mostly for management seat, NRI seat and other kind of stuff. Okay, so for that, sorry, feel free to contact us. Have a nice day, bye bye. And now once again, 15th April is day today, exactly 3 weeks to go, 21 days to go. एंड फिर से जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, वाकई टाइम आ गया अब रिफाइन करने का. अपनी स्ट्रेटजी को रिविजन कीजिए. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू टॉपिक्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, इट वुड बी डिफिकल्ट. और नाउ ट्राई टू नाउ मैक्सिमाइज योर स्कोर रैदर देन ट्राइंग टू फिनिश सिलेबस. ओके, बाय बाय, टेक केयर.